हेलो हेलो वीकेंड है यस वीकेंड है तो एनीवेज वेलकम बैक टू द चैनल एंड भाई अपन फंस गए हैं नोवेयर तो भाई देखो ट्रैफिक से निकाल के हम पहुंचे अभी लुक एट आवर बाइक भाई दैट इज कंप्लीटली लोडेड तो भाई इतने धूप में लिटरली ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे टाइम इट्स ऑलमोस्ट 4 o'clock एंड भाई वो जो ट्रैफिक थी ट्रैफिक को जो डॉज किया है अपन ने तो भाई ये चमत्कार हुआ है कि ट्रांजिशन अपना अभी चालू हो चुका है एक खूबसूरत सी वादियों में। धीरे धीरे कभी कभार मौसम अप हो रहा है कभी कभार मौसम डाउन हो रहा है मतलब अभी देखो अभी अगर आप देखोगे तो मौसम काफ़ी डल हो चुका है क्योंकि भाई राइड करने के लिए बहुत खूबसूरत है एंड अभी ऑलमोस्ट 10 मिनट के बाद फिर वापस धूप आ जाएगी तो ये चीज़ तो भाई थोड़ी सी दिक्कत दे देती है। भाई सुबह तो अगर मैं कार से भी जाऊँ फिर भी मैं लाइक ओल्ड ट्रैक पे सारे प्रेफर करता हूँ क्योंकि ये हमेशा इतना खूबसूरत होता है एंड हमेशा इतना खूबसूरत सीजन रहता है। भाई ये देखो जस्ट 4:30 एंड भाई उधर का वेदर क्या हो रखा है भाई वेदर पूरा चेंज हो गया है लाइक कम्प्लीटली क्लाउड आ चुके हैं एंड भाई बारिश कभी भी आ सकती है इधर ध्यान में रखिए अभी भाई मौसम पूरा बदल चुका है। सो भाई बाइक ना ओपन है ये देखो खूबसूरत सा व्यू है इधर अपना खोपोली सिटी का एंड भाई अपन है अभी पूरा अपना देखो फिलहाल तो आज सेटअप अपन ने कुछ ऐसा करके रखा है तो जो सैडल बैग था वो अपन ने आगे रखा है एंड जो टेंट है वो आगे एंड फिर टैंक बैग है एंड अपने पास और एक बैग है जो कि टॉप रैक में है। वेलकम टू डेला तो अभी अपन ने हाईवे छोड़ दिया है एंड भाई अभी अपन अंदर के गांव के रूट में आ चुके हैं तो यहाँ से डेला अप्रोक्स एक समथिंग 10 किलोमीटर्स दूर रहेगा और मे बी लेस देन वहाँ से अपना डेस्टिनेशन लेकिन 47 मिनट बता रहा है That means काफी दूर है। जिस चीज के लिए हम एडवेंचर के लिए आते हैं वो चालू हो चुकी है तो भाई देखो अपना अभी यहाँ पे ऑफ रोडिंग चालू हो गया है तो ये देखो अपन कंटिन्यूस कंसिस्टेंसी चल रहे हैं लेकिन भाई अपना मंजिल जो है काफी दूर है रास्ते बहुत खराब है लिटरली आप गाड़ी के शेक से ये देखो लाइक भाई साहब मतलब मैं ब्लॉग कर ही नहीं पा रहा और यहाँ पे आप देखोगे कोई नहीं है तो भाई ये रास्ते और अभी ऑलमोस्ट रात होने वाली है जस्ट प्रे करता हूँ कि भाई जल्दी से जल्दी कोई लोकेशन पर पहुँच जाए लाइक अभी 5:30 मैक्स टू मैक्स में आधा घंटा तो दिखा रहा है 6 बजे तक भी स्ट्रेच कर सकता हूँ उसके बाद फिर मुझे टेंट डालने के लिए एटलीस्ट उजाला तो चाहिए। भाई साहब धीरे धीरे ये जंगल इतना डेंस हो रहा है लिटरली आप देखो 22 मिनट्स लास्ट जब भी बताया था इट वॉज 29 मिनट्स एंड द फॉरेस्ट इज गेटिंग डार्क एंड डार्क। भाई अभी तो मेरी सच में आईसी फट रही है। सो लुक एट दिस वी आर लिटरली मिडल ऑफ नोवेयर एंड लुक एट द रूट भाई बहुत खतरनाक है एंड बहुत ही खतरनाक है बस और कुछ बोल नहीं सकता यहाँ से फटाफट निकलते हैं एंड इट्स 6 o'clock एंड फाइनली अपने को अपना लोकेशन मिल गया है सो दिस इज लुक्स लाइक भाई बहुत डेंस फॉरेस्ट है सो भाई अभी क्या होगा अपन लाइक सेटअप यहाँ पे करने वाले 7 o'clock सो भाई ये देखो क्या खूबसूरत सा सनसेट हो रखा है एंड लेट मी शो यू अपना जो सेटअप है थोड़ा सा ब्राइटनेस कर देते काफ़ी डार्क हो चुका है लुक एट दिस सेटअप मैन इट्स ब्यूटिफुल भाई क्या खूबसूरत सेटअप है ये तो भाई ये सेटअप का जितना भी भाई फोटो वीडियो निकालूँ इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट बट अभी यस अभी अपने को थोड़ा सा रहना पड़ेगा अलर्ट एज यूजुअल जंगल है एंड सेकेंड चीज़ अपनी ऐसी है कि भाई बारिश हो रही है हल्का बूंदाबांदी
तो चलो ठीक है, ऐसा नहीं, अपना टेंट वाटरप्रूफ है, अपने को ऊपर से डालना पड़ेगा। और भाई रात के भाई ऑलमोस्ट 2:30 बज रहे हैं एंड बारिश चालू हो गई है और जोर से बारिश चालू हुई है एंड भाई आपको आवाज तो आ रही रहेगी। हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। भाई रात को 1:30 बजे जो तगड़ी बारिश हो गई थी एंड भाई मैंने वो ऊपर का जो रेन फ्लाई होता है वो डाला ही नहीं एंड पानी थोड़ा बहुत अंदर आया था तो फिर फटक से उठा एंड देन फिर ऊपर का रेन फ्लाई डाल दिया मैंने एंड देन भाई साहब, लेकिन रात को तो मशक्कत हो गई थी, लिटरली नींद उड़ गई थी मेरी और अभी भी नींद में हूँ। सो मोबाइल भी संभाला नहीं जा रहा है। सो एनीवेज, तो अपन उठा जाए एंड भाई जो बाहर का व्यू है वो भी तो देखा जाए। भाई रात कुछ अपनी ऐसी भी थी कि भाई अपने को फायरफ्लाइज भी देखने मिल गए एंड अपने को बारिश भी देखने मिल गई। सो दोनों चीज़ एक साथ हुई। शो यू भाई अभी मॉर्निंग का, आई नो आपने सेटअप देखा हुआ है। तो अभी ये देखिए, मेन अभी थोड़ा सा ये जो पार्ट गंदा हुआ है तो थोड़ा सा ये क्लीन करना पड़ेगा एंड यहाँ पे पानी भर चुका है एंड झूले में तो पानी नहीं है एज फार एज आई नो। झूले में पानी नहीं है। सो भैया जी अभी हम तो आ चुके हैं अंदर एंड भाई सामान रैप अप करना अभी अपने को चालू करना है। सी कम्प्लीटली मेस्ड अप हो गया है। रात को जो बारिश आई, जो अपन ने बालकनी में सामान रखे थे तो पूरा इधर डाल दिया कैसे ना कैसे करके एंड अभी ये चीज़ अपने को प्रॉपरली करनी है। सो इट्स, देखते हैं कितना टाइम जाएगा, लेट्स स्टार्ट। एंड भाई जंगल में देखो पूरा कोहरा ही कोहरा हो चुका है। तो अभी अपन ने लाइट लगाया, इसके लिए शायद से आपको इतना समझेगा नहीं बट इट्स कम्प्लीटली डार्क। ये देखो भाई बाहर क्या ही कोहरा हो चुका है। हर जगह नज़र उठा के देखोगे तो भाई बहुत ही कोहरा हो चुका है यहाँ पे। एंड यस, अभी अपना टाइम है, सीधे आप जो मैंने टाइम बताया था 1 घंटा लगा अपने को सामान रैप अप करने के लिए, बट यहाँ से एक्चुअल में बोला जाए तो जाने का मन तो नहीं कर रहा है बट सो ऑब्वियस है भाई जाना तो पड़ेगा क्योंकि हम तो भाई बोलते आए हैं अपनी दुनिया तबाह हो रही है, अपना घर उजल रहा है, लेकिन ये घर उजल रहा है किसी और वीकेंड और जगह और नए प्लेस पे, ये खूबसूरत सा लोकेशन, समझ गए हो ना? तो भाई अगर समझ गए हो तो मन की बात और एक चीज समझ जाओ, सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है, शेयर और भाई भर भर के लाइक शेयर करो। सो लुक एट द प्लेस, जैसा था अपन ने वैसे ही रखा है कम्प्लीटली, कुछ कचरा नहीं, कुछ नहीं, एवरीथिंग इज रॉ, जस्ट द नेचर्स ब्यूटी। सो फिलहाल अभी यहाँ से अपन निकलते हैं, इट्स 9:30। सो हर एक एक घंटे में ऐसी, जब ही अपन ने चालू किया था रैप अप करना इट वॉज 7:35 समथिंग, फिर उसके बाद जब मैंने बताया कि भाई ये सब ऑलमोस्ट बैग रैप अप हो गया तब इट वॉज 8:30 एंड राइट नाउ इट्स 9:30। एंड यस वन मोर थिंग, तो देखो ये सब है अपना कचरा,
तो भाई ये अपन अभी अपने साथ लेके जाएंगे, इसका भी जुगाड़ है, अपन एक एक्स्ट्रा बैग लेके आए हैं, तो वो बैग में डालेंगे एंड जहाँ पे पॉसिबल होगा वहाँ पे अपन इसको डम कर देंगे। भाई बारिश होने की वजह से रास्ते इतने स्लिपरी हो गए, अभी यहाँ पे मैं ब्लॉक कर पा रहा हूँ ताकि भाई ये प्लेन रूट है सो आई कैन ड्राइव एंड थोड़ा बहुत ब्लॉक कर पा रहा हूँ, बट लिटरली सी ये देखो गाड़ी लिटरली मतलब ये जो मिट्टी पे बारिश गिरी है इतनी चिकनाहट हो गई है, इतनी चिकनाहट, तो उसकी वजह से मुझे लिटरली ड्राइव करने में बहुत डिफिकल्ट हो रहा है। अभी मेन ट्रास तो नीचे का है, जब अपने को कम्प्लीटली ऑलमोस्ट एक 60 डिग्री वर्टिकल डिक्लाइन में उतरना है। ऑल राइट भाई, ऑफ रोडिंग वाला जो पैच है वो ख़त्म हो चुका है एंड भाई लुक एट द ब्यूटी, भाई साहब ये देखो हर जगह ही ब्यूटी ब्यूटी है। और चलो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट ट्रिप पे, टिल देन बाय बाय एंड हैप्पी मॉनसून।